ये है बिच्छू घास, आपने तो देखा नहीं होगा। मूली देख रही भयंकर, देखो कितनी बड़ी मूली निकल रही। शिवा कह रहा मम्मा लौकी, और एक मूला वहां पर निकल रहा है भयंकर, इतना खतरनाक का। बल फोटो खींचा ला मैन, ओए बल्ली बल बल्ली, मेरे पैर में शाइनिंग दिख रही है, ये देखिए ना, इसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी आता है धरती से स्रोत का। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुराना नौला है। और ये मोटी हो गई क्या आजकल? अकेला डाउन के मारे पैर कांप रहे थे, और अब चढ़ाई के मारे पैर थक रहे हैं। शिया तो कैसा चल रहा, तेरे को थकान नहीं लग रही? पहचान लिया करती है। किसी की यहाँ भटोली आती है ना, जो भटोली हम लोग के यहाँ पे, वो पूरियां बना के रखे बेचारे, वहां से मिले पूरियां लेके आई, वो भी मीठी पूरियां। पूरियां भी कोई ऐसी वाली पूरियां नहीं, वो रोटी की बराबर पूरियां है, इतनी बड़ी हेड से भी छोटी। ऐसे झुक के जाना पड़ता है दीदी, इतनी याद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल राहुल दिलाल ब्लॉग्स में आप सभी का नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। तो आज मॉर्निंग का बजा हुआ है 7:45, और देख सकते हैं आप लोग, बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है। आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है, फिर डालूंगी फिर भी, मैं मिनी ब्लॉग डाल दे रही, शॉर्ट डाल दे रही ऐसी। तो हम शीतला देवी मंदिर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये रहा शीतला देवी मंदिर, जय हो माता दी। तो यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस हो गया, बड़ा प्यारा सा बोर्ड लगा दिया यहाँ का, बोर्ड निकाल के। काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, तो चलो बता देती हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ो से हाय गाइस। तो आज हम कोई भैया भैया की गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, और आज शुक्रवार है, यहाँ का ऑफिस का काम रहता है, तो हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। अब जी हाँ, मेरी नानी है, नानी पता कितने साल की है, मतलब 100 क्रॉस कर चुकी है, और काफ़ी लोगों ने देखी भी होंगी अल्मोड़ा से, मेरी भाभी ब्लॉग बनाती है तो उनके उसमें, तो काफ़ी टाइम हो गया नानी से नहीं मिले हुए। तो आज जाएंगे, होली के टाइम से ही हमारा प्रोग्राम बना था मम्मी का और मेरा, सडनली मेरा बना भी, मम्मी जा रही थी मतलब, तो मैंने बोला यार कि मेरा बचपन बहुत बीता है वहाँ पे नानी लोग के साथ, तो अपने बचपन की यादें वादें तो जो क्या होती हैं, नानी और नाना का ही घर होता है ना। बच्चों के हमारा वेकेशन होता है, छुट्टियाँ होती है तो स्कूलों की, तो क्या करते हैं हम लोग कि नानी के घर जाने के लिए ही एक्साइटेड रहते हैं, तो वहाँ जाना तो बनता है। तो अब आजकल टाइम उतना बहुत चेंजेस आ गए, फिर भी तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल, तो शिव को भी ले चलती हूँ आज, आज छुट्टी है ईद की, जो भी ममडल लोग का है आज प्रोग्राम। तो शिवा का बुड्ढा वाला माकोट हो गया, मेरा माला कोट हो गया, पहाड़ी में बोलते हैं बुढ़ माकोट, तो शिव का नानी का माई का। तो मेरी नानी ना काफ़ी मतलब, नाना जी की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी, हो गए मतलब 7-8 9 साल हो गए ना, मैं 8-10 साल हो गए। और नानी ना मेरी, अभी देखेंगे आप लोग, बहुत दूर है यार यहाँ से, अल्मोड़ा से भी आगे है, उजाला नाम बोलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी दीदी भी हैं, वो मिली थी, तो मैं आप लोग को उनसे भी मिल पाऊँगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नानी से मिलने के लिए। अपने वो मतलब बचपन में मैंने बहुत रही हूँ अपने ननिहाल, तो अब तो बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे वहाँ को। पहले कच्चा रास्ता था, बहुत नीचे जाना पड़ता था, कैसा भी है क्या है मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मैं बचपन से अभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, बचपन में ही गई थी अपनी शादी के, हाँ बचपन में ही गई हुई थी, तब से मुझे याद नहीं है। तो कैसा है मैं भी फर्स्ट टाइम देखूँगी, और आप लोग भी देखेंगे, बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, ठीक है? तो बीच बीच में मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी जर्नी। मम्मी हनुमान धाम होते हुए जाएगी क्या है? तो कैची धाम होते हुए जाएगी गाड़ी, तो हमने बुक करा रखी गाड़ी, और हम तीन ही जने हैं, मम्मी मैं शिव, अल्मोड़ा तक बुक करा रखी है। फिर वहाँ के से जो मेरे मालाकोट के मम्मी के पहचान के भैया हैं, वो हमको वहाँ से रिसीव करेंगे, और फिर आते वक्त भी फिर हम अल्मोड़े से दूसरी गाड़ी में आएंगे यहाँ हल्द्वानी। तो आज ही अप डाउन करना है मतलब, तो कल शिव का स्कूल भी है, और मम्मी भी, अब मम्मी की, मेरी मम्मी इतनी बुढ़िया हो गई है, तो अब नानी की इतनी बुढ़िया हो गई होंगे, समझ ही सकते हैं आप लोग, मम्मी भी काफ़ी टाइम से नहीं गई है, फिर ऐसे ही हो जाता है यार कहाँ लोग ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना बड़ा आश्रम है, पायलट बाबा का आश्रम है, बोल रहे भैया नंदताल रोड में है ना भैया, ये चिली कोट से भवाली वाले, अच्छा भवाला पायलट बाबा। शिवा कह रहा है कि वो एरोप्लेन चलाते थे वाला भैया, तो मुझे भी नहीं पता,
हम हल्द्वानी में ही हो गए, हमने ही नहीं देखे. बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे जो नहीं देखी होंगी. बहुत सारी क्या मतलब, कुछ भी नहीं देखा हल्द्वानी में तो बिल्कुल. नैनीताल भीमताल यही वो. मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है यार. अभी मैंने उल्टी की गोलियां भी खाई है. मानी क्या सिस्टम है ये. तो ये देखिए पायलट कितनी बड़ी मूर्ति है हनुमान जी. अच्छा इसके अंदर कुछ वो बहुत सारे वो बोलते हैं वो है क्या, जूली कोट. ये देखिए गाय, गणेश जी की मूर्ति. मुझे ऐसा लग रहा मंदिर मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था. मेरे को याद नहीं आ रहा किसके ब्लॉग में देखा था. किसी ने बनाया था शायद यहाँ का ब्लॉग. तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए कैची धाम, नीम करौली बाबा महाराज जी के आश्रम पर. यहाँ से देखने ना नीचे आएगा भी. क्या चाय भी रहे? नहीं, बहुत बड़ी मार्केट बन गई यार इधर को भी भाई साहब. ये रहा कैची धाम. नीचे हो नीम करौली महाराज जी. ये देखिए 15 जून को यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती. अभी खाली हो रहा है. अभी भी है वहाँ भक्त जो. ये देखिए अभी भी है. तो गाड़ी रुक गई गर्म पानी के. वहाँ पर शिवर को अच्छी खासी नींद आ गई थी. थोड़ा चाय वाय पीते हैं यहाँ पे. गर्म पानी यहाँ पे रुके हम लोग. रुके क्या है सॉरी, खाते हैं तो कुछ. चाय तो नहीं पीऊँगी बट. फ्रेंड्स बहुत ठंडा हो रहा है. मैंने ऐसा दुपट्टा ओढ़ लिया. मम्मी ने देखो ये अपना शर्ट पहन के लाई है. हमको बताया भी नहीं एक बार के लिए शर्ट पहन के लाएंगे. तो हमने मंगा रखा है चना और थोड़ा खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा. काजू चना अभी आने वाली. पकौड़ी चाय और शिवा की मसाला मैगी. अरे हाँ गाड़ी में बैठ रहे. गाड़ी में बैठने में भी डर लग गया. देखो फ्रेंड्स पहाड़ लगते हैं 3-4 घंटे और पहुँचने. ठीक है देखो कितना प्यारा लग रहा है ना आसमान. बहुत अजीब हो गया यार जी. देखो फ्रेंड्स मम्मी की गप्पे पूरी नहीं होती हैं. ड्राइवर भैया को पूरे रास्ते में पका पका कर आई है. पूरी रास्ते भर मम्मी का टाइम पास कर रखा है गप्पे मार के. अरे तो सोते हुए भगवान ने इनको नीचे उतार दिया. गाड़ी सीधे नीचे गई. चीड़ के पेड़ है. मम्मी चीड़ के पेड़ बोलते ना इनको. अल्मोड़ा की बाजार. अल्मोड़ा बाजार यहाँ पर होटल है. अल्मोड़े का कोई पहाड़ी वाला गाना था भैया. क्या था एक वो अल्मोड़ा कुछ पहाड़ी गाना था एक. हाँ तो हल्द्वानी बाजार बटी है. याद दिला दी हमें इसमें गाना रील्स बनानी थी. वो क्या था अंग्रे क्या बोला भैया. अल्मोड़ा अंग्रेज आया टैक्सी में. ये सही कहा था. तो हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं. बहुत सारी उल्टी तो नहीं हुई. उल्टी करने का मन हम जरूर कर रहा था पर अभी नानी से मिलने की खुशी में वो भूल चुके हैं. तो अभी हम यहाँ से अल्मोड़े से ना जहाँ मेरी नानी का घर है उज्ज्वला बोलते हैं वहाँ उज्ज्वला के लिए वहीं की गाड़ी आएगी. कोई मम्मी के पहचान के भैया मायके के. तो अभी यहाँ पर से हमको वो लेकर जाएंगे. ठीक है सफर में अजीब सा मूड होता है तो चटनी खा के बहुत मजा आता है. तो टेस्ट करते हैं. अच्छा अच्छा चलो. हाँ अभी अभी तो हम नाश्ता कर रहे हैं. फिर उससे पूछ के बात बताती हूँ आपको. हाँ हाँ हाँ. तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया. आलू का पराठा वराठा कर लिया है लंच. और मैंने पता क्या खाई. चटनी. इतनी टेस्टी चटनी होती. इतनी टेस्टी चटनी होती. मज़ा आ गया चटनी खाकर. गजब रोल. हमें दूसरी गाड़ी मिल चुकी है और अभी ये जीप है. जीप में बैठ शिवा मोबाइल लग. तो अब हम जाएंगे नानी के घर. तो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है बोल रहे हैं. जसकोट नाम है उधर का. जसकोट मम्मी के अब दूसरे वाले ड्राइवर भैया से गपशप शुरू हो गई है. इनके साथ गपशप शुरू हो गई मम्मी की. देखो ड्राइवर अनजान हो आप.
ये ड्राइवर भैया मम्मी के मायके का। ग्रीनरी ग्रीनरी। तो ये है हरी हरी पहाड़ और खेत, आप लोगों ने तो देखी नहीं होगी। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, पीछे पहाड़ आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, ये खेत है खेत आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, ये शिव है आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा। अब मेरा वीडियो चला जाएगा वायरल पक्का। ये देखा नहीं होगा, वो आपने देखा नहीं होगा। ये है ओ इसका पर्स हो जा रहा है। तो ये है आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब का फेमस डायलॉग, पार कर नीचे को पहाड़ से बोलता है, कितना डाउन है नीचे ये देख रहे हो। हेलो गुट आ गया, नीचे जाना है हमने यहाँ से, ठीक है आना तक तो ठीक है, और जो नीचे डाउन और ऊपर को चढ़ाई चढ़नी होती है ना भयंकर की हालत ही ख़राब हो जाती है यार बहुत। तो जा रही है ना रोड, यहाँ मेरी बुआ का घर है, पता नहीं कहाँ है, और मैं तब व्लॉगिंग नहीं करती थी, उस टाइम पे बुआ के बेटे की शादी में हम आए थे, आज से 2021 शायद, हाँ 2021 में आई थी इधर पे। तो यहाँ से ऊपर को रास्ता पता नहीं, थोड़ा सा और दूर जाके बुआ का मकान है मेरी सबसे छोटी वाली बुआ। मिट्टी देखो कैसी मिट्टी हो रही, पीली मिट्टी है, पीली बिल्कुल मिट्टी। तो जो दीदी की बात मैं कर रही थी, नीतू दीदी, वो गई हैं अभी कहीं भटौली की पूरियाँ बनाने चाची लोग के वहाँ, तो अभी आएंगी, उनकी मम्मी से मिलने आ रहे हैं हम, मम्मी की बचपन की सगी सहेली थी। ये देखो मेरी ना बैठी, मैं जैसी बैठने भी इतना भी इतना दिन दहाड़े भी उसको डर लग रही, पोटी आ गई वाला बताओ, और वो दादी आ रही है नहीं आ रहा है, मेरे को बाहर से बैठे रहो वाली, इसका पहरा देना हुआ यहाँ पर भी, बाय जा यहाँ भी आओ अंदर अंदर ही आऊँ, जा 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 इतना बता, इतना दिन दहाड़े भी इसको डर लगती है पोटी करने के लिए, बताओ कोई इतना बड़ा हो गया है, बच्चा होता तो मैं भी कहती चलो जो बच्चे हैं ये मैं, पता नहीं क्या है शिवा के डर पता नहीं कब जाएगी। तो हरी फ्रेंड से तो अच्छा हो रहा है यहाँ पे, हवा आ रही बहुत है यहाँ, तो वीडियोस बनाने का क्या ही मस्त मौसम है यार, ऐसा लग अरे हम लोग की बस की बात नहीं है ना पहाड़ में रहना, ऐसे यहाँ रहना वीडियोस बनाने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ वीडियोस बनाने के लिए मस्त है। मेरी नानी लोग का घर कहाँ पे है, मेरे को यहाँ से दिख ही नहीं रहा है। अब हमें वो नीचे जाना है वहाँ, इसमें से मुझे पता नहीं कि कौन सा घर है मेरी नानी लोग का, यहाँ से रास्ता आएगा अभी बहुत चलना है यार, पता नहीं ये वाला मकान है वो वाला मकान है या फिर जिसमें आप लोगों को झंडा दिख रहा है झंडा वो ऑरेंज कलर का, या वो वाला है पता नहीं कौन सा वाला है, बचपन में आया करते। क्यों भाग रहा, क्या हो गया हो लोगों ने देखो ऐसा करके यहाँ पे से बर्तन साफ करने का नीचे है, तो कितना बना रखा है यार, ये देखो सब पहाड़ों में सबके पास सब वो वाले मकान होंगे लैंटर वाले। मेरे पैर में शाइनिंग दिख रही है, ये देखिए जैसे स्पार्कल डालते हैं ना फेस पे, स्पार्कल लगाते हैं वो शाइनिंग करने के लिए, तो यहाँ की मिट्टी में इतनी शाइन है, देखो मिट्टी पीली मिट्टी हो रही थी ना, तो कितना चमक रहा है आप लोगों को पता नहीं, धूप में दिख रहा नहीं दिख रहा, पर ये ताई जी है हमारे, ताई जी हाई का हेलो कर दो। आमा हाँ मैं बुढ़ो भूल जाता हूँ, ये मेरी नानी हुई, मम्मी की क्या हुई मम्मी, मम्मी को एक घंटा लगता है उठने में, ठीक है चाची हाई करो, नहीं नानी हाई करो, हेलो दगड़ियो गाओ जोर से बोलो, हेलो दगड़ियो निकल लिया हम यहाँ से, बस दो मिनट भी नहीं बैठे, सब बहू के लिए बैठा दिया वाली, इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है देखिए, आपने तो देखा नहीं होगा है, ये वाला अखरोट का पेड़ है, और पता है मैं आप लोगों को बता दूं मेरे माँ लोगों ने कैसे बना रखा है, शिव आराम से गिरेगा, और इतना डाउन है ना पैर कहाँ पर है, मम्मी बेचारी कैसे चल रही देखो, पता है मैं एक बात बता दूं आपको, मेरे ननिहाल में अखरोट और वो क्या बोलते हैं आलू इतने होते थे अभी भी होते हैं, इतने होते हैं अथा, ये भी देखो एक पेड़ है अखरोट का, ठीक है अखरोट की खुशबू आ रही है, कच्चे अखरोट है, मैंने तो कच्चे अखरोट खा रखे हैं क्योंकि मेरे ननिहाल से आते थे पहले, तो बड़ा अच्छी खुशबू आती है, मतलब जब फिर इसको ज़्यादा देर तक तो सूंघेंगे ना तो नाक के अंदर फिर एक अजीब से जैसे बिक्स सूंघ के नहीं होता, हाँ ये आलू का है, कब से बंद है पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है पुराना टाइप का लग रहा है ना, क्या पता रहता अब तो कौन रहता है यार गाँव में, गाँव वाले भी तो सब प्लेन से कोई आ गए हैं, कौन सा वाला खेत
जिसमें लहसुन बोरखा मम्मी कह रही, मम्मी को अपना खेत भी याद है। हाँ लहसुन और धनिया बोरखा ना साड़ी के उस पार वाला खेत हमारा है। मकान कौन सा है तो बता दो। मूली दिख रही भयंकर, देखो कितनी बड़ी मूली निकल रही। शिवा कह रहा मम्मा लौकी, और एक मूला वहाँ पर निकल रहा भयंकर, इतना खतरनाक का, कितनी बड़ी मूली। चलो ना तो फिर आप, मैं क्या करूँ, देख किसकी फोटो लेनी है। मेरी नानी का घर, यह है मेरी नानी का घर। अरे नानी ने तो बहुत गजब का बना रखा भाई, पीछे यहाँ और एक खेत है नानी लोग का। दिल्ली में बैठी है हमारी नानी, वो देखो, वो पता है 100 साल की हो गई फ्रेंड, 100 साल की। चुपचाप चल शिव, चुपचाप, आँख नहीं देखती है। देखो मम्मी का रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। देखो सेवा, मेरी नानी देखो आँख दिख रही नहीं, दिख रही सेवा, पहचान ही नहीं रही मम्मी को। पहचान लिया। गले मिल नानी को, शिवा की पर नानी हो गई है। शिवा हाँ, ये कमरा तो मुझे याद है यार, इसमें हम रहते थे ना मम्मी, यही तो कमरा था, एक ही एक कमरा ये था, एक कमरा ये था बस। ये मम्मी, अम्मा ठहरी, नानी, शिबो, पानी। तो अम्मा हमारी हो गई है बल 95 साल की, भाई साहब मामी बता रही 95 साल की हो गई। मैं बोल रही थी कि 100 साल की हो गई है। और पता है आप लोगों को, ये मैंने जिस टाइम पे, जिस दिन मतलब हम छोटे छोटे में देख रहे थे अम्मा को, जैसी की तैसी है यार अभी, देखो अभी भी करती है याद है। मम्मी के लिए फेवरेट मिठाई लो, जो बुढ़े लोग खाते हैं, दो। अरे कौन सी है, कौन से खाएंगे बेचारे, और बुढ़े के दांतों ने, काजू काजू वाली होती, काजू वाली में थोड़ा सॉफ्ट होती है, है? यहाँ पे क्या किचन है, किचन यहाँ तो सेम है। अच्छा ये बना दिया, पहले यहाँ पे अगेठी थी ना, ये देखो पहले अगेठी थी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगेठी थी। अम्मा हमारे, नाना जी यहाँ पे हमारे सुबह सुबह उठ के चाय बनाते थे, सुबह से अभी सलाद बना दिया यहाँ पे। तो ये देखो ऊंचा अभी गिर गई थी, कोई बात नहीं, ये वाह, पूरे यहाँ से भी पीछे से भी खुला खुला रास्ता है, देख मजा आ गया पूरा। नहीं देखो केले का, अच्छा ये हाँ यहाँ से, नहीं तो अंदर को आ जाता ना, ये झापनी ठहरी पहले उनमें, ये हेड से भी छोटी, ऐसे झुक के जाना पड़ता है दीदी में, इतनी आ रही है, फिर ऐसे झुक के आना पड़ता है। मामी हमारी, मामी मामी हेलो कर दो, हेलो हाय। भाभी भाभी देखेंगे मेरा व्लॉग अब। अच्छा ये कहाँ आ गए, अरे नहीं वैसे देखेंगे ना कि ये कहाँ आ गए, ये कौन है, विश्वास नहीं आएगा ऐसे से पलके। देखते हैं, हाँ आप तो देखते होंगे, वो तो मुझे पता है, तो बताया नहीं ना जैसे मैंने भाभी को कि हाँ रे करके। अच्छा तो मामी कहे, भाभी कहेगी देखी देखी ऐसी लग रही है यार ये औरत। मम्मी की सखी, वो देखो सखी संबंधी आए हैं मिलने के लिए। फ्रेंड्स मैं जिनको बोल रही थी आप लोगों से कि मैं अपनी दीदी से मिलूंगी करके, बचपन में भी देखा था मैंने आपको, बचपन में
पता नहीं देखा, इनको भी याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है। तो मतलब साथ रहे थे। हाँ ये है। फिर हमारी दादा की शादी हुई थी अल्मोड़ा में, फिर हम मैं फर्स्ट टाइम दीदी से वहीं पे मिली थी। और तो ये है, इनका नाम है अनीता। अनीता, अनीता दीदी हेलो करो। हेलो। तो दीपा दीदी भी, एक दीपा व्लॉग करके है पहाड़ी, क्या नाम है उनके व्लॉग का नाम? हाँ दीपा पहाड़ी करके व्लॉग है, रुद्रपुर की है वो दीदी, वो भी जहाँ मेरा ननिहाल है वो भी यहीं की है। तो ये उनकी भी परिचित है और मेरी भी है, तो इन्हीं की बात कर रही थी मैं दीदी से। और पता है ये अभी वहां से गई थी और पूरा लोगों से, किसी की यहाँ भिटौली आती है ना, जो भिटौली हम लोग के यहाँ पे, वो पूरिया बना के लेके आई बेचारी, वहां से मिले पूरिया लेके आई, वो भी मीठी पूरिया। पूरिया भी कोई ऐसी वाली पूरिया नहीं, वो रोटी के बराबर पूरिया है, इतनी बड़ी। हाँ ये लेके आए हैं देखो, मेरे लिए इसमें पूरी लेके आई, तिल्ले लेके आई हूँ बल। और मैंने कहा हम तो खाते, ये देखो पूरी, ये भिटौली की पूरी। और पता है फ्रेंड्स आप लोगों को, बहुत मीठी होती है मतलब। हाँ और इस महीने में लड़की को दिया जाता है, और बता नहीं मुझे कुछ, इतना ही बताया और आगे को कुछ पता। हाँ नहीं। तो ये ना एक परिवार में जैसे जैसे कुछ सगे जैसे जैसे रिलेशन कम होता रहता है, तो उनको कम कम पूरियां, जिनका रिलेशन ज्यादा ज्यादा होता है उनको ज्यादा पूरियां देते हैं, दस पूरियां देते हैं, छह पूरियां देते हैं, आठ पूरियां देते हैं, बस भाई साहब। और इस सारे गांव में बांटते हैं यहाँ पे, मतलब जितना भी तुम्हारे गांव का एरिया होगा। तो बेचारी दीदी मेरे लिए वहां से आई थी लेने के लिए, मैं बाहर चले गई है काम करने के लिए। है अम्मा को तो दिखा, वो मामी को तो दिखा दिया मैंने, मामी काम करने के लिए, काम करने के लिए चले गए, जूते सब लाइन बाल लगा दिए उन्होंने, पता नहीं क्या क्या कर रही है। देख क्या थे, चुपचाप जाते हैं पीछे से, ये देखो सारे जूते लाइन बाल लगा दिए। बल फोटो खींचा ला मैन, ओए बल्ली बल फोटो खींचो, दिखो अम्मा बेचारे को नहीं दिख रहा। फ्रेंड्स मैंने अम्मा की फोटो ली, कह रही कुछ तो कह रही है, ऐसी बात कैसा होता है ना यार बुढ़ापा, फिर भी देखो इतना काम करती है, यहाँ पे से गिरने का हो रहा है, सब अंदाजा है उनको। मामी बोल रही है बर्तन भी साफ करती है, और अगर 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 जिस दिन आटा नहीं गूंथती है ना अम्मा, तो मामी को बोलती है बल तू मेरे से नाराज हो गई है, तू मेरे को आटा गूंथने के लिए नहीं दे रही है, ऐसी है। अब सारा काम करती है बोल रही है, मतलब मैं जंगल जाती हूँ तो अम्मा अंदर झाड़ू वाड़ू लगाती है, और 95 ईयर्स की हो गई है देखो अभी भी। सिवा वासी ऐसा होता है ना बुढ़ापा, फिर भी उस टाइम के खा ही पिए हैं भाई। चलो हिटो खान खाला चल रही है। ये देखो देख रहे हो, देखो ये देखो ऐसी सीढ़ियां हैं यहाँ, देखो भाई साहब सब ढूंढ रही, पता नहीं क्या। पहले यहाँ से बहुत सारे चेंज कर दिया, पहले ये वाला रूम नहीं था, केवल ये वाला था, अभी एक नया रूम यहाँ से बना दिया, ये पूरा बना दिया है, ये बना दिया है, और यहाँ पूरा खेती खेत था अगल बगल के। खाना आ गया हमारा, देखो चाची ने की तिल, नहीं मामी ने की तिल दी, खाना बना दिया, लहसुन का अचार, प्याज, दाल चावल दी, खा ले आ जा दीदी, खाने दिया, खा ले आ देते हो, हाँ आ जा फिर आ जा। मेरे लिए हमारे लिए इतने बाकुले तोड़ के रख दिए, बाकुले पहाड़ के बाकुले, वो भाई साहब इतने बड़े बड़े हो रहे थे, वो खाना वाना खा लिया हमने, ताजे ताजे बाकुले के सब्जी खाएंगे हम घर जाके। ओए मामी मारी के तो नहीं, मेरे को डर लगती है, है? हाँ। ये काय का पेड़ है, ये वाला काय का पेड़ है, ओ भाई साहब इसमें कितने फूल आ रखे हैं देखो, हाँ उतने ही कागजी नींबू लगे हैं भाई साहब, ये देखो ये छोटे से दाने, ये अखरोट के पेड़ हैं, ये कितने सारे अखरोट के पेड़ हैं देखो, यहाँ ये नीचे ये सब, ये सारे अखरोट के पेड़ हैं ना, इसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी आता है धरती से स्रोत का। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुराना नौला है और बंद किया हुआ है, अल्मोड़े में मेरे मामलों के घर पे वो खुला है अंदर के साइड को, तो ये बंद हुआ है, तो इसमें वाघ से नल लगा रखा है। और मैं वहाँ वीडियोज़ बनाने जा रही थी तो ये फूल टूट गया है मेरे से, तो मैंने इसको अपने साथ ले लिया, वो देखो कितने सारे फूल लगे हैं वहाँ पे। मैं शिव मंदिर, ये पुराना, ये भी पहले गए था, अच्छा इसमें ये डाल रखा है। तब हमारी जाने की तैयारी हो गई, टीका पानी लग गया मम्मी को, ये मोटी हो गई क्या आजकल, आपको तो नहीं पता चलेगा, कल ममता भाई बोली थी मोटी हो गई, पार्लर वाली जहाँ एब्रो बनाने गई थी, मैं ही बना केरी छोड़ा छोड़ा, अरे हो गया, अरे हो गया, लिफाफा मिल गया, दो घंटे मम्मी को ही मिल रहा है, अरे हो गया मम्मी, ऐसा क्यों नहीं होता।
चाय को देखो टिक्का जा रहे हैं घर को। ये जा हट और मिल गले मम्मी ने ब्याह दिन पे डाल भी नहीं मारी। देखो मम्मी हमको पर पहुंचाना है। चलो शिवा यार कैसे मकान होते हैं ये अलग अलग, एक मकान दो मकान तीन मकान चार मकान है ना यहाँ पे। हाँ। ये सब जगह पे गुलजी नीम करौली महाराज बखई बोलते हैं इसको, बखई ना। आशिफ थकान लग गई अभी तो बहुत दूर जाने हैं हम, यहाँ से नौले का पानी भर के ले आ रहे हैं। देखो शुद्ध प्योर पानी देख रही है तो फ्रेंड्स ये है बिच्छू घास, आपने तो देखा नहीं होगा। कैसे चढ़ाई अब उतनी गिर गई थी मैं, कैसे चढ़ेंगे हम यहाँ से, खतरनाक भाई साहब। नीचे को आते समय हालत खराब, वैसे डाउन हो रहे, डाउन के मारे पैर कांप रहे थे और अब चढ़ाई के मारे पैर थक रहे हैं। शेयर तो कैसा चल रहा है, तेरे को थकान नहीं लग रही? शकल देख के पता चल रहा है, शकल देख के पता चल रहा है थक गए। पर यहाँ ना हल्द्वानी का जैसा गर्म हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है इधर को। ठीक है जब हम शुरू सुबह सुबह आए, सुबह सुबह तो अभी हल्द्वानी में भी ठंडा हो रहा है, यहाँ पर उतना ठंडा नहीं हो रहा है। देखो वाओ बेटा मेरा वही नहीं चल रहा है, यहाँ नेट ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। अब आना यार कभी, ठीक है भैया। हाँ, लोग की शादी होगी पक्का आना, ठीक है। अच्छा लगा मिल गया ये कभी नहीं आता है, गया है यार भाई साहब मेरी तो हालत ही खराब हो गई। बकरिया मैं भी जा रही हूँ भैया, हटना तो थोड़ा सा। हाँ मामी जो भाई मामी हमको यहाँ रोड तक छोड़ने आई है, ठीक है। आराम से ना ध्यान रखना अपना, आमा का भी अपना भी है। हाँ अच्छे से जाएंगे, पहुँच जाएंगे, फोन करेंगे, बाय। ठीक है तो गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी जिसमें हम आए थे वही वाली गाड़ी है, वहाँ से फिर अब दूसरी गाड़ी में जाएंगे। ये देखो भाई ये है अल्मोड़ा नगरी, काफी बड़ी नगरी होती है अल्मोड़ा। चलो भगवान यहाँ से, यहाँ से नीचे का हमारे मामा के घर को जाते हैं नीचे। ये है बहू मेरे भाभी जी नीलम ब्लॉग। हेलो बोलो। अरे ब्लॉग बनाने लग गया। हाँ तो माई प्रणाम, बन रहा नहीं बन रहा है, कितने ज्यादा तो रिकॉर्ड करना ही भूल जा रही मैं। मामी आप लोग जिन लोग देखते होंगे देख लो नीलम ब्लॉग है तो। हेलो भाभी कैसे हो? ये तो टाइम बाद हेलो बात मिलने हम वहां गए थे गांव। हां तुम निकाल दोगे शिवा शॉप आए देखो नीलम कलेक्शन करके। अरे वाह बड़ी अच्छी दुकान खरीद रखी है, बहुत अच्छा बना रखा है, मतलब सब ये देखो इतना सामान रखा हुआ है सब। ये कहाँ से मंगाया आपने? हल्द्वानी से? क्या कहाँ से मंगाया सामान? दिल्ली से भर के लाए? वाह 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 मजा आ गया। काफी बड़ी मतलब व्लॉग में देखती हूँ मैं भाभी को तो, मतलब छोटी छोटी दुकान दिखती है यहाँ पे। ये कुर्तियाँ वगैरह भी सब रखी है ना आपने? दुकान की वॉर्निंग करा रहे, शिवा ने ले लिया लेजर लाइट और गना के ले लिया हमने बका सिंह के लिए, ये क्योंकि अभी लेट हो रहा है अपने लिए कुछ नहीं ले, थोड़ा सा भाभी की मम्मी ने दे दिए भाभी की। चलो भाभी अब आना हमारे वहाँ, ठीक है। लेट भी हो रहा है कर रहे हैं तो चलते हैं हम, ठीक है बाय। फिर आना अब कभी हल्द्वानी आना, ठीक है तो चलो बाय बाय भाभी। तो फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं, टाइम हो गया 7:30 और हम आ गए। मेरे को बहुत थकान लगी थी, जो अभी हम आए ना उन भैया ने हमको जल्दी पहुंचा दिया और हमने चाय वाय पी ली। और तो हम यहाँ से भीमताल से खिम सिंह रौतेला के यहाँ से 1 किलो चॉकलेट और 1/2 किलो सिंगौड़ी लेके आए थे, जो हमारी फेवरेट है। मुझे ये तो सिंगौड़ी तो बहुत फेवरेट अच्छी लगती है, मतलब चाय के साथ हमने पी ली। हेलो करो। हेलो। ये हमारे चाचा हैं गांव के, तो हमारे जब हमारे जस्ट ये भी आए थे तो हमने चाय पी के थके हुए हैं मम्मी भी हम भी। यार आज ना मेरा यहाँ आने के बाद मुझे फील हुआ कि आज उधर ही रुकना चाहिए था, बैठा नहीं बैठा अम्मा के साथ लगा ही नहीं बिल्कुल भी,
क्योंकि कल शिव का स्कूल भी है और काम भी चल रहा है घर पे थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, नहीं रुके वहाँ पे। पर लग रहा था कि यार एक दिन शिव की छुट्टी कर देनी चाहिए थी, रुक जाते थोड़ा नानी से मिलके, काफ़ी टाइम बाद गए थे, तो जो भी हो गया हो गया, मिल के आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम जाएंगे अभी बची रहेंगी, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना। मेरी अम्मा को देखा ना, नानी को, कितनी भाई साहब आजकल के टाइम पर कोई इतना जीता है। 95 साल की होगी, 95 पूरा आंख देखती है, पूरा काम सुनती है भाई, और फटाफट काम कर रही है पूरा, देखा होगा आप लोगों को, दिखाया मैंने। तो चलिए फिर मेरी नानी के लिए तो लाइक करना है, ठीक है, और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करना, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक बाय।